अरे भैया ये नैनीताल की चढ़ाई है, भीमताल की है। यार देखने वाला खुद देखेगा भाई कहाँ की है। सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए। ऊपर आ गई ऊंचाई पे। पता चला कोई निकल जाए नहीं निकलेगा। कितना ही मत डरो यार, ये क्या है, ये तो बड़ी खतरनाक चढ़ाई है। मजा आ रहा है। ये देखो आगे अब मुझे एक हाथ से सकीना को रोकना पड़ रहा है। पता चला सकीना जो स्टीयरिंग पे जाके पड़ेगी। क्या खतरनाक चढ़ाई है। आओ कभी मसूरी में। और एक बार जो सच भाई सबसे ऊपर लेके गए थे भैया, वो तो बहुत ही गोल गोल था एकदम। अगर फोटो लेने हो तो रोक लेंगे यहाँ पे, बता देना। आप देखो कहाँ पे सही रहेगा। अभी तो आ गया है वो हरियाली वाली जगह। क्या अच्छी थी ढलान से दिखेगी ना ऊंचाई की। जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही बात। नहीं ऐसी बात ना है। अच्छा अनाड़ी से तो मैदान में चल लेगी पहाड़ को, जब चलेगी भाई। ये तो बड़ा खतरनाक बोल है। ये नैनीताल की झील और हम यहाँ पर घूम रहे हैं और पीछे ये आसमा बैठी हुई है। पीछे अर्शद भाई की बोट आ रही है। ये भी मेरे देख रहे हैं, मैं नैनीताल में हूँ और इसके पीछे जो बोट आ रही है ये वाली, ये इसमें अर्शद भाई हैं, उनकी फैमिली है, मैं और आसमा साथ में बैठे हुए हैं। ये साइड का व्यू है यहाँ का। हाँ अच्छा हसन की हालत देख, डरा हुआ बैठा है या एंजॉय कर रहा है। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा यार, गोद में तो रहता है माँ की। हम नैनीताल में हैं यहाँ पर और इस टाइम हम बुटिंग कर रहे हैं। ये अर्शद भाई परीन और उनकी फैमिली, मैं हूँ और मेरे साथ आसमा है, मेरी संवाददाता आसमा है। हम दोनों इस बोट में
बोटिंग कर रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं इनकी बोट ये आगे निकल गई है। और इसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ भी हैं पानी के अंदर। ये साइड में इसके पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं बहुत ऊंची ऊंची और बहुत खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये पहाड़ियाँ दिखती जाती हैं। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये बहुत बहुत ऊंचाई पर बनी हुई हैं, पूरा इलाका ये पहाड़ियों पर बसा हुआ है। और अभी इसके बाद हम सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाएंगे। यहाँ कोई सी एक पहाड़ी है जो इसका लास्ट पॉइंट है, वो बहुत ऊंचाई पर है पहाड़ी, तो उस पहाड़ी पर अभी हम वापस जाएंगे। यहाँ पर ये हसन साहब बैठे हुए हैं, ये आपको दिख रहे हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं अपने, और सईदा और सकीना तो हैं ही इंजॉय करने वाली। ये देखिए बोटिंग का पूरा मज़ा हसन इस टाइम उठा रहे हैं। ये देखिए में जाएगी तो मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। अर्शद भाई इधर से ऐसे बनानी है, मैं बताऊं। सीधे ओले पड़ रहे हैं, वापसी लेने वाला भाई कौन जाओ।
दूसरा, ये दूसरा पेड़ पूरे पूरे जड़ जड़ से उखड़ गए हैं अर्शद भाई, पूरे पूरे जड़ से उखड़े हुए हैं। उधर पेड़ है, उधर उधर नहीं, जरा देखभाल की बस थोड़ा। ना ना इधर तक नहीं है, एक पीछे की तरफ भी ऐसी था और एक आगे पड़ा हुआ है। निकलो मत, निकलने का मौसम ना इस टाइम। गाड़ी आगे को जा रही है उसके साथ साथ ना, वो नहीं जाएगी, वो बैग हो जाएगी। देखो आगे ना पेड़ है, गिरने का डर है, पेड़ है गिर, यहाँ पे साइड में कोई भी पेड़ नहीं है, अपने ऊपर कोई गिरा, वो खुद उधर ही लेगा, इधर ही लेगा, वो भी खाली जगह पे इसीलिए रोकी है, वो लेके क्या। और आगे गिरा हुआ भी तो है एक पेड़, आगे पेड़ गिरा हुआ है, गाड़ी जाएगी नहीं अपनी आगे। एक इधर पीछे गिरा हुआ था, एक ये रहा आगे।